यूपी में आज है ब्लॉक प्रमुख पद के लिए चुनाव। 476 ब्लॉक प्रमुख पद के लिए डाले जाएंगे वोट। आज शाम तक आएंगे प्रमुख चुनाव के नतीजे। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली जीत से बीजेपी है उत्साहित। प्रमुख के चुनाव में बड़ी जीत का भरोसा। यूपी में बीजेपी का दावा, निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख। इनमें बीजेपी की 334 ब्लॉक प्रमुख हैं और बाकी 15 एसपी और निर्दलीय। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख पद की एसपी प्रत्याशी से बदसलूकी के केस में बड़ी कार्रवाई। एसपी, सीओ और इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी उम्मीदवार उंटू सिंह से बदसलूकी के केस में 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखीमपुर खीरी के पसगवा इलाके में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऋतु सिंह और उनकी महिला प्रस्तावक से कुछ लोगों ने सरेआम की थी बदसलूकी। नामांकन रोकने की हुई थी कोशिश। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट में यूपी में चुनावी हिंसा का मुद्दा उठाया। लखीमपुर खीरी में महिला उम्मीदवार से बदसलूकी का किया जिक्र। प्रियंका गांधी के ट्वीट में लखीमपुर खीरी कांड की उन्नाव रेप कांड से की गई तुलना। लिखा, सरकार वही व्यवहारिक। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी यूपी के मुख्यमंत्री पर किया वार। कहा, वो किस मुंह से खुद को कहते हैं बाबा और योगी, यूपी में है राक्षस राज। राबड़ी देवी ने कहा, यूपी में पुलिस के वेश में गुंडे कर रहे हैं कानून की रखवाली। संत कबीरनगर में अपने पिता की शव यात्रा लेकर जा रहे हैं बीजेपी सदस्य के साथ मारपीट। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर उठाकर ले जाने का आरोप। देर रात मऊ में दोरीगार बीजेपी प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के भतीजे पर किडनैपिंग का आरोप। पीड़ित ने कहा, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में वोट के लिए मेरे बेटे की को किया अगवा। ब्लॉक प्रमुख चुनाव से पहले हिंसा की खबरें। मऊ में बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी वंदना राय के देवर पर फायरिंग, हालत गंभीर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी को घेरा। कहा, ताजा हो गए अखिलेश और मुलायम सरकार की यादें। मायावती ने उठाया यूपी में चुनावी हिंसा का मुद्दा। किया ट्वीट, यूपी में कानून का नहीं, जारी है जंगल राज। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए रेल मंत्री बने अश्विनी वैष्णव ने दफ्तर के कर्मचारियों से की मुलाकात। कहा, न ले तनाव, दफ्तर को समझे घर, काम को करे एंजॉय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कर्मचारियों को भरपूर सहज रखने की कोशिश की। किसी का कंधा थपथपाया तो किसी से गले मिले। एक कर्मचारी उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ था जिसमें अश्विनी ने भी की थी पढ़ाई। रेल मंत्री ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम आज से मुझे सर नहीं बॉस बुलाना, क्योंकि कॉलेज में सीनियर को इसी तरह से बुलाते थे। हम लोग कह रहे थे कि मंत्री जी को कभी आप मिलना तो बता देना कि हम उसी कॉलेज से जूनियर बॉस बोलता है सीनियर को। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा हुआ। डीजल प्रति लीटर 26 पैसे महंगा हुआ। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111 रुपए। बालाघाट में डीजल ने भी जड़ा महंगाई का शतक। 1 लीटर डीजल का दाम 100 रुपए 71 पैसे। मुंबई में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 93 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 97 रुपए 46 पैसे। देश में पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,206 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में 45,254 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी है 4,55,033 कोरोना एक्टिव मामले। देश में अब तक 37,21,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी श्रद्धांजलि।
तीसरी लहर की आशंका पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया आगाह, कहा कोरोना नियमों से दूरी, भीड़ को पड़ेगी भारी। कोरोना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की, तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर हुई चर्चा। पंजाब में सोमवार से नाइट और वीकेंड कर्फ्यू खत्म, शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और रेस्टोरेंट्स। देश में कोरोना के 43,393 से ज्यादा नए मामले, 24 घंटे में 911 लोगों की मौत। किसानों ने सरकार की बातचीत के प्रस्ताव को खारिज किया, राकेश टिकैत बोले शर्तों के साथ नहीं होगी बात। कृषि मंत्री की बात पर किसानों की दो टूक, कहा खत्म नहीं होगा आंदोलन, सरकार चाहे तो गोली चला दे। देश में जवान पर बंदूक का पहरा नहीं चलने का, ये गलत फहमी निकाल दे अपने दिमाग में से सब। मोदी सरकार पर राकेश टिकैत का जोरदार हमला, कहा किसी भी झांसे में नहीं आएगी जनता। बाईस जुलाई को संसद तक जाएंगे किसान, आज तक से खास बातचीत में बोले राकेश टिकैत, गाड़ी से करेंगे कूच। बिहार के समस्तीपुर में सैलाब का कहर, कल्याणपुर इलाके में एक शादी समारोह के दौरान नाव पर चढ़कर दुल्हन के घर पहुंचे दूल्हा और बाराती। शादी समारोह के बाद नाव पर भी हुई दुल्हन की विदाई, घर से दरवाजे तक था जलभराव। मुजफ्फरपुर में निचले इलाके में सैलाब का संकट, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए गले तक पानी में डूबकर सैलाब पार करने को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक की बाढ़ में डूबा घर बार, रोजमर्रा की दिक्कतें। नहीं है शौचालय, कॉल है, कॉल है, हर सरकार। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये सर, हम लोग सोचे माने घर पर एकदम पानी डूबा हुआ है, हम लोग तो होता है और कोई साधन ना। सीतामढ़ी में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, पीड़ितों को मदद का दिया भरोसा। यूपी के औरैया में एक दबंग ने युवक को सरेआम डंडों से बुरी तरह से पीटा, चोट लगने से बेसुध होकर गिरा युवक, पिटाई की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड। पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस, आरोपी शख्स को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग से फैली सनसनी, प्रेमी जोड़े की जहर देकर हत्या, पहले जहर से गई युवक की जान। प्रेमिका ने दिया बयान, प्रेमी युवक की मौत के बाद युवक के परिजनों ने जबरन पिलाया जहर, लड़की का वीडियो वायरल होने पर सिंधौली पुलिस ने दोनों परिवारों पर दर्ज किया मामला।